अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मिल्की फूड की तरफ से मैं हूं शेफ उनैद, और आज हम आपको जो है आइसोमॉल्ट का यूज़ बताएंगे। काफ़ी कमेंट्स से आप लोगों के कई लोगों के सवाल थे कि सर आप जो है आइसोमॉल्ट के हवाले से बता दें कि इसको कैसे यूज़ करना है, माइक्रोवेव में मेल्ट होगा या फिर ये जो है चूल्हे पर पकाना है, पानी के साथ बनेगा या कैसे होगा। तो इंशाल्लाह आज हम आपको करके दिखाएंगे। इसमें जो कलर्स यूज़ होंगे हम उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आज आपको बताएंगे। सबसे पहले आइसोमॉल्ट के बारे में बताता चलूं कि आइसोमॉल्ट क्या है। ये बीट रूट शुगर है और ये जो है लो कार्ब शुगर है। ये हमारे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इसे कंज्यूम कर सकते हैं एज अ स्वीटनर के तौर पर। स्टीविया, सुक्राल और कैंड्रल, इस तरह से हमारे पास मजीद स्वीटनर भी होते हैं, लेकिन हम बेकिंग के अंदर क्यों हम प्रीफर करते हैं कि आप आइसोमॉल्ट ही यूज़ करें, क्योंकि ये जो है टेक्सचराइजर का काम भी करता है। जैसे कि शुगर हमारी रेसिपीज़ के अंदर तकरीबन जो है वो 30% 25% तक शुगर होती है, तो वो सिर्फ मीठा नहीं कर रही होती है, वो टेक्सचर अदर का काम भी कर रही होती है। जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ बनानी है, कोई बेकिंग के अंदर आपको केक वगैरह बनाना है, कपकेक वगैरह बनाना है, तो वहाँ आइसोमॉल्ट डालना ज़रूरी है। ठीक है, वो आपके टेक्सचर अदर का काम पूरा दे देगा। उसके बाद स्वीटनेस लेवल इसका तकरीबन जो है 60% लेस होता है शुगर के अकॉर्डिंग। तो हम जो है फिर उसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करते हैं मिठास को बरकरार करने के लिए। उसकी मकदार भी 1 से 2 ग्राम तक ही रेसिपी के अंदर यूज़ होता है। और जब भी आप स्वीटनर यूज़ करें, आर्टिफिशियल स्वीटनर कोई भी होता है, वो तकरीबन शुगर से 700 to 900 टाइम्स जो है वो ज़्यादा स्वीट होता है, तो उससे चीनी की मिकदार के इक्वल यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर एक आम इंसान को भी जो है हार्ट डिजीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, हम किसी भी रेसिपी में जब इसे यूज़ करते हैं, ये ग्रेनुलेटेड फॉर्म में है, तो ये रेसिपीज़ के अंदर इस फॉर्म में डाइल्यूट नहीं होती, तो इसको आपने पाउडर फॉर्म में करना होगा। उसके बाद ये आप किसी भी रेसिपी में शुगर की मिकदार के मुताबिक डाल सकते हैं रेसिपी को चेंज किए बिना। अच्छा, अभी हम इससे क्या करेंगे, हम इससे बनाएंगे जो ट्रांसपेरेंट सेल होता है वो बनाएंगे, जो कि डेकोरेशन पर्पज़ के लिए केक के ऊपर यूज़ किया जाता है। इसी के साथ ये लॉलीपॉप के मोल्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। इस मोल्ड्स के अंदर भी आप जो है ट्रांसपेरेंट लॉलीपॉप बना सकते हैं। मैं जो है आपको सिलपैड पर डायरेक्ट बनाकर दिखाऊंगा, बाकी मोल्ड के साथ भी बहुत ईजी है, ये आपको बेकाउस से मिल जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसे पका लेंगे। पकाने के लिए माइक्रोवेव में भी आप इसे रख सकते हैं। अच्छा ग्लास हो, माइक्रोवेव प्रूफ ग्लास हो, उसके अंदर आप इसे मेल्ट कीजिए। थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप उसको देखते रहें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप उसको बहुत ज़्यादा शॉक हीट दे दें, एक साथ ही 5-6 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए आपने लगा दिया और ग्लास अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ तो ग्लास ब्रेक हो सकता है। तो माइक्रोवेव से बेहतर ये है कि आप उसे जो है चूल्हे पर पका लें। आपने डायरेक्ट आइसोमॉल्ट लेनी है और उसे पकाने के लिए रख देना है। मिक्सिंग नहीं करनी। अगर आप मिक्स करते हैं किसी भी शुगर को, कैन शुगर हो उसे भी अगर आप मिक्स करते हैं मेल्ट करते टाइम, तो वो फिर दोबारा से जो है क्रिस्टलाइन हो जाती है। नॉर्मल कैन शुगर जो है वो पकने के बाद जल्दी कैरामलाइज हो जाता है और कलर भी उसका जो है वो कैरामल हो जाता है। इसीलिए आइसोमॉल्ट को यूज़ किया जाता है इन सभी डेकोरेशंस के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी अच्छी आए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास 2 मेट हैं, एक सिलपेट है और एक फोंडेंट मेट है। मैं फोंडेंट मेट के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि फोंडेंट मेट जो है वो बिल्कुल, इसकी सरफेस देख सकते हैं आप, बिल्कुल प्लेन है ये सब तरफ से, और ये भी हीट प्रूफ होता है। तकरीबन 250 सेल्सियस तक जो है ये हीट प्रूफ होता है। इसी के साथ सिलपेट पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक पैटर्न होता है, अंदर जो रॉब है उसके साथ ये पैटर्न नज़र आएगा जब भी आप कोई चीज़ इसके ऊपर शुगर की बनाएंगे। तो अब अगर आप इसमें कलरफुल बनाना चाहते हैं, इसे कलर देना चाहते हैं, तो इसमें आप जेल कलर यूज़ कर सकते हैं, वो इजीली इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप इसमें वाटर बेस्ड कलर डालते हैं तो वो भी इसके अंदर अच्छे से हल हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि पानी जब इसमें जाएगा तो मुमकिन है कि ये जो है उछले, तो वो आप पर भी आ सकता है, तो उसमें आपने एहतियात करनी है। वाटर बेस्ड कलर डालना है तो थोड़ा दूर होकर इसके अंदर डालना है और आसानी से मिक्स कर लेना है आपने। 2 मिनट के अंदर ही उसका जितना मॉइस्चर होगा सब एवेपोरेट हो जाएगा। आप कोई भी मेजरिंग जग ले सकते हैं, बॉटल ले सकते हैं, और उसके बाद आप इसके ऊपर जो है मैट डाल देंगे। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए आपने ये डालना है, अगर आपने ये ज़्यादा गर्म डाल दिया तो भेज जाएगा। तकरीबन जो है अच्छे से ठंडा हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है, हार्ड भी हो गया। अब मैं इसे जो है उतार देता हूँ। एहतियात से आपने जो है इसे छुड़ाना है, इसे उठा लेना। अच्छा, मैट उल्टा रखने की क्या वजह है, अगर मैं इसे उल्टा नहीं रखता, सीधा रखता, तो जो मार्क है ना ये इसके ऊपर भी आ जाता, ठीक है, फिर ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहता कम्प्लीटली। ये पेटल मोल्ड आपको बेकहाउस से मिल जाएगा। इस मोल्ड में भी आप जो है आइसोमॉल्ट के पेटल्स बनाने के बाद फ्लावर बना सकते हैं।
बहुत एहतियात से काम करना है आपने ये, क्योंकि आइसोमॉल बहुत गर्म हो जाती है। एक बारीक सी लेयर दे दें, अब जो एक्स्ट्रा होगा वो खुद ही हट जाएगा, और जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये खुद ही आप नाइफ से हटाते जाएं। अच्छा जी, अब ये ठंडा हो चुका है, अब इसे डीमोल्ड कर लेते हैं हम। इसी तरीके से मैं 4 पेटल और बनाऊंगा और फिर मैं इसका एक फ्लावर बनाऊंगा। जी व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो हुई मुकम्मल। हमने आपको आइसोमॉल का यूज़ बता दिया, इसके बारे में मज़ीद डिटेल भी दे दिए। ये आपको बेक हाउस से मिल सकेगी। आप बेक हाउस पे ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि है bakehouse.pk। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर प्लेस करके अपने घर बैठे जो है ऑर्डर मंगवा सकते हैं। बेकिंग एसेसरीज, टूल्स एंड इंग्रेडिएंट्स, माशाल्लाह बेक हाउस पे हर एक चीज़ मौजूद है। आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।